ये देखिए शेरू आज बर्फ खा के आया है। बर्फ 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 बर्फ। बज के 3 मिनट हो रहे हैं और हम लोग लगभग 811 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 26 आवर, अपने आप खुद का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जाने के टाइम में 21 घंटा राइड हुआ था, अभी लगभग 26 घंटा राइड हो चुका है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हम लोग का लद्दाख राइड का आज लास्ट डे है। हम लोग आज वापस निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। कल लेह में रुक गए थे, बाइक का काम हो गया, शाम 7 बज गया इसलिए रुक गए थे, और अभी सब रेडी है। लगभग 5:05 हो रहा है। यहाँ से सीधा खिंचने को ट्राई कर रहे हैं दिल्ली भैया श्रीनगर होते हुए। तो बने रहिए दोस्तों। क्या हाल है सर जी? अरे बढ़िया, एक नंबर। बढ़िया सर, वाहेगुरु 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 की फतेह। चलिए मिलते हैं सीधा गोप्रो की सेटअप में। रेडी हो चुका, वार्म अप होके अभी फटाफट से निकलते हैं। जय श्री राम। अभी हम लोग अपना घर की तरफ गाड़ी मोड़ चुके हैं। क्या सर जी, कैसा फील हो रहा है? एकदम फ्रेश है, रात को अच्छा से नींद हो गया। और आज क्या वेदर है भाई? कल से वेदर थोड़ा खराब था, तो पहाड़ियों में पूरा मस्त बर्फ है था अभी तो। चलते हैं अभी सुबह सुबह ये ले सिटी का नजारे कुछ। रात को बारिश हुई थी, वेदर खराब थी, कल आसपास में बर्फ भी गिरी है, और इधर मनाली वाला रूट को बंद कर दिया सभी बाइकर्स के लिए। तो चलते हैं आपका सीधा, हमको जो जिला पास से एक बार क्रॉस कर देने से फिर उधर कोई टेंशन नहीं, श्रीनगर। फिर श्रीनगर के बाद जो रामबन में एक जाम लगेगा मेरे ख्याल से, वो पार हो गया तो फिर अपना दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर का जो लेफ्ट पे जो है आपका मिलिट्री का, आर्मी का जो आपका म्यूजियम है वहाँ पे पहुँच गए। आज टाइम तो हुआ नहीं, हम लोग घुसे नहीं, मैं पहले देख चुका हूँ। ये कुछ टैंक है, जिप्सी है, तो फिर हॉल ऑफ फेम बोला जाता है इसको। और ये बाहर में कुछ इस तरह के हमारा डिफेंस सिस्टम का चीज़ें जो शोकेस किया गया है। और G20 का यहाँ पे हुआ था आपका मीटिंग अप्रैल में। तो अभी लगभग हम ले छोड़ चुके, तो सीधा रवाना हो रहे हैं श्रीनगर के लिए, फिर वहाँ से दिल्ली। तो चलिए सर जी, चलिए चलिए चलिए। 200 200 200 200। ये क्या चेतक है? क्या ये चेतक वाला हेलीकॉप्टर क्या ना, कौन सा है? अच्छा, लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक हिल ना, मैग्नेटिक हिल ये भी है ना। ना और क्या करेंगे, चलेंगे सीधा। चलिए सीधा चलते हैं, लेफ्ट साइड वाला मैग्नेटिक हिल ना। बर्फ तो पूरा नीचे तक गिरा हुआ है आज। हाँ, लेफ्ट साइड वाला 155 मतलब दर्चा 150, वहां से 100 किलोमीटर पाद, मुझसे 100 किलोमीटर ओनली दर्चा। तो क्या चलिए जय
तो यहाँ से आपका दारचा जो कि हिमाचल और लद्दाख का जो लगभग बॉर्डर होता है वहाँ वो 258 किलोमीटर, बट थोड़ा सा मे भी ऑफ रोड मिल सकता है, तो इसीलिए अभी पहाड़ियों में वेदर थोड़ा ख़राब है तो हम लोग थोड़ा रिक्स नहीं लेना चाह रहे, इसलिए श्रीनगर वाला रोड पकड़ के सीधा दिल्ली। क्या सर जी, वही तो थोड़ा वेदर सही रहता तो हम लोग शायद ले लेते इधर वाला, तो इसलिए अभी ये वाला चल रहा है। ओके चलिए चलिए, तो अपना शेरू बहुत मस्त ब्रिज दे रहा है, जाते वक्त 34 ऐसा कुछ था, अभी चेक किया तो 36। वाह शेरू तू तो बचा ले रहा है यार। तो चलिए सीधा फटाफट से जो जिला को क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे उधर। अभी कारगिल क्रॉस कर चुके, बाईपास खोजते खोजते थोड़ा देर हो गया, नहीं तो अभी निकल लेते। 12 बज गया यहीं पे। ओके सर जी चलो, अभी भी बर्फ गिरा हुआ है और बर्फ गिर भी रहा है अभी, तो इसलिए थोड़ा वेदर खराब है। कल से कल तो लेह में बारिश भी हुआ, स्नोफॉल भी हुआ, और आज सुबह आते वक्त भी स्नोफॉल हो रहा था। इतना देखने से भी मन नहीं भरता, और सुंदर दिखते जाता है। इसलिए मैं भी रुक रहा था। तो अभी ये है जो जिला का हालचाल, स्नो भी हो रहा है और बारिश भी हो रहा है, नीचे बारिश हो रहा है ऊपर में स्नो रहेगा, तो हम फटाफट से रेन लाइनर लगा लेते हैं। बादल गरज रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, मैं अपना गोप्रो को उतार के अंदर कर ले रहा हूँ, मिलते हैं इसके बाद में।
ये देखिए शेरू आज बर्फ खा के आया है। बर्फ 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 बर्फ, ये बर्फ पूरा हैवी स्नोफॉल जो जिला पास में, देखिए बर्फ लगा हुआ है इसमें भी, ये देखिए। तो आज एक बर्फीला राइड हो गया है शेरू, हो गया बर्फीला राइड। और सर जी, हाँ जी, कैसे लगा जी? अरे बहुत मजा आया, ऑसम, ऐसा नजारा और ऐसा एडवेंचर कभी नहीं करा। सर जी के भी लगा है ये, देखिए ये रहा, फोटो उठा के रखे ना, ये देखिए। और ये लाल परी, लाल परी, लाल परी पूरा स्नो में व्हाइट हो गई है, फोटो निकालो ना एक सर जी। निकलेंगे, अरे हाथ बाहर निकालने का मन नहीं, निकलेंगे निकलेंगे। तो अभी हम लोग लगभग 10 किलोमीटर बर्फबारी में जो जिला को क्रॉस किए, और ये अभी दूसरा एंड है। और भाई क्या डरावना था। हाँ जी हाँ जी, एक पार कर लिया, दूसरा जा रहा। और अभी इस तरफ का बर्फीला पहाड़ क्या सुंदर लग रहा है ना जी। हाँ हाँ, अभी आएगा ना। ओ जी कितना सुंदर लग रहा है जी, मतलब फ्रेश न हुआ, अभी धूप हो रहा जी। का यात्रा शुरू होने वाला है शायद अगले महीने से, और ये है नीचे आपका जहाँ से शुरू होता है बालताल, सोनमार्ग बालताल। और देखिए उधर कॉटेज वॉटेज बन रहा है, यही ना सर जी। अच्छा, और देखिए कितना कॉटेज सब बना हुआ है। चलिए चलिए, ये देखिए कश्मीर वैली का जो नजारे, इधर बर्फ, ग्रीनरी, पहाड़ी, फिर प्लेन मैदान, नीचे नदी बह रही है, क्या खूबसूरत जगह है भाई। ये लेफ्ट साइड वाला कितना मस्त व्यू है, ऊपर में आग लग रहा है क्या, आदमी वहां रहते हैं ना क्या। हमारा सामने में एकदम बारिश का मौसम बना हुआ है, तो कैमरा को अंदर ही डालना पड़ेगा। हाँ जी निकालू, अरे मैं ये तो आ गया, थोड़ा सा रुकिए, मैं गाड़ी को ओवरटेक किया तो तुरंत नहीं रोक सकता। हाँ तो पूरा अंधेरा हो गया जी। हाँ निकल रहा हूँ, वहाँ स्लो करिए, मैं क्या कर रहा आप रुकेंगे ना, मैं निकल के आऊं।
तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लक्ष्मीपुर में पहुंच गए हैं। जो लगभग क्या बोलते हैं इसको, राम लड्डू। तो लक्ष्मीपुर में पहुंच गए हैं, जो कि पठानगढ़ बॉर्डर, पठानकोट का आसपास है। और ये कुछ बोले सर जी, मैं भूल गया। ऐसी खाएंगे और यहाँ से लगभग दिल्ली है 521 किलोमीटर। तो चलते फटाफट से खाना खा के। रात को लगभग 2 बजे खाना खाया, उसके बाद नींद आ गया, पेट्रोल पंप में लगा के सो गए। और अभी 4:30 बजे उठ के फिर वापस आ रहा है। तो चलते हैं सीधा दिल्ली। जम्मू छोड़ के पंजाब में एंटर कर रहे हैं। ये है उसका टोल गेट। अभी प्रीपेड चलना शुरू हो जाएगा गेट के उस पार से। तो चलते हैं सीधा जी दिल्ली। लगभग अभी तक हम लोग कल सुबह 5:40 को निकले थे, अभी 7:03 हो रहा है और हम लोग लगभग 811 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और बच 26 आवर। अपने आप खुद का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जाने के टाइम में 21 घंटा राइड हुआ था, अभी लगभग 26 घंटा राइड हो चुका है और 5-6 घंटे राइड होंगे, फिर हम सीधा निकलेंगे, पहुंच जाएंगे आपका नोएडा। तो चलते हैं। 200 200 200 200 200 200 एक जोश है, 200 में नहीं चलाते हम। 200 200 एक जोश है, 200 में नहीं चलाते हैं। राइड विथ केयर विथ जेंटल। के पास में बारिश शुरू हो गई तो मैं अपना गोप्रो उतार ले रहा हूँ। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा खेत। तो 1352 किलोमीटर हुआ आपका लेह से नोएडा इंदिरापुरम। और हम लोग का राइड हो गया अभी 5:30 बज रहे, 12 घंटा 36 आवर। उसमें से 4-5 घंटा हम लोग का इधर उधर हुआ। तो चलिए शेरू को थोड़ा ठीक ठाक करके कल फिर वापस घर।